हिंदू धर्म में पितृदेव को देवता के रूप में पूजा जाता है। ये हमारे घर में सुख शांति का वास रखते हैं, लेकिन अगर ये नाराज हो तो कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से वो संकेत। अपने भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में तथा अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से भगवान पितृदेवताओं को पूजा जाता है। पितृदेव को पूजा जाता है, सभी अपने पूर्वजों को पूजते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म में अपन भगवान पितृदेवताओं के लिए विशेष तौर पर पूजते हैं, उनके लिए विशेष समय भी होता है। इस प्रकार गणेश जी आए, गणेश जी के पश्चात पितृदेवताओं का त्यौहार आता है जिसमें पितरों का विशेषकर पूजन होता है। इसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। इस श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं तथा 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस श्राद्ध पक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए हम जो सनातनी लोग हैं तथा हिंदू धर्म के जो अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से पितरों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। कोई उनका तर्पण करता है, कोई उनके लिए दान दक्षिणा देता है, तो कोई गरीबों को भोजन करवाता है, कोई गरीबों को वस्त्र देता है। उसी प्रकार पितृदेवता की प्रसन्नता के लिए समय समय पर उनके ध्यान रखा जाता है तथा कार्य किए जाते हैं। कई बार पितृ प्रसन्न होते हैं, कई बार नाराज होते हैं, तो इसी प्रकार वह संकेतों में हमें दिखाई देता है कि हमारे पितृ नाराज हैं या प्रसन्न हैं। तो उसी प्रकार कुछ संकेत यहाँ पर कहे गए हैं, क्योंकि खाने में बाल निकलना या शुभ काम में रुकावट आना, परिवार में लड़ाई झगड़े होना तथा स्वप्न में बार बार सर्प का दिखाई देना, यह भी पितरों का ही संकेत है। घर में बारम्बार दूध का उफन जाना तथा घर में नकारात्मकता बनी रहना, इस प्रकार के जो संकेत होते हैं ये पितृदेवता के नाराजगी के संकेत होते हैं। इस प्रकार संकेत मिलने पर हमें भगवान पितृदेवता की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के जो कार्य कहे गए हैं, उनका तर्पण कहा गया है, उनका पिंडदान आदि कहा गया है, उनकी नित्य दान आदि कहा गया है, इस प्रकार ये कर्म करना चाहिए। और पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी हस्ती भी और प्रसन्न मुद्रा की जो तस्वीर हो वो छवि घर में दक्षिण पश्चिम के दीवार पर लगाना चाहिए अथवा उस कोने में लगाना चाहिए। और उस विशेष दिन जब उनके प्रसन्नता के दिन होवे, कि जैसे जन्मदिन हुआ या वर्षगांठ हुई, कि विशेष वर्षगांठ हुई या विशेष उनका कोई त्यौहार हुआ या पुण्यतिथि हुई, इस दिन भगवान पितृदेवताओं को प्रसन्नता के लिए उनको पुष्प माला अर्पित करें, उनको भोग आदि लगावे, उनकी प्रसन्नता की वस्तु उनको अर्पित करना चाहिए।